नीचे हमने ओल्ड कपड़ा लिया है सूट का, बीच में हमने फॉर्म रखी है। फॉर्म की जगह आप टॉवल का यूज़ कर सकती हैं, जींस का यूज़ कर सकती हैं, सबसे ऊपर मेन फैब्रिक। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्विल्टिंग करके इसको तैयार कर लिया है। क्विल्टिंग करने के बाद इसकी लेंथ 21 इंच और वेट इसकी 15 इंच की तैयार हो गई है। तो जिसके नाप का भी आप इसे बनाना चाहते हैं, उसके पैर को आप यूं रखेंगे, एक साइड से स्टार्ट करेंगे हम मार्क लगाना। मार्क हम लगा लेंगे, इस तरीके से रखना है कि चारों तरफ एक एक सेंटीमीटर का जो है मार्जिन छूट जाए। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और इसके बाद हमें इसका सेकंड वाला हिस्सा यानी कि दूसरी तरफ दूसरे पैर का हिस्सा भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये क्विल्टिंग पीस कटिंग कर लिया है। 6 इंच इसकी चौड़ाई है, लेंथ इसकी है 15 इंच की। तो इस तरीके से हमें पैर का बेस रखना है कि एक इंच गैप इस तरफ से आ जाए। यहाँ पे भी रखना है इससे कि दोनों तरफ से जो है एक इंच का गैप यानी 1 इंच का गैप हो जाए। तो हमें यूं मार्क लगाना है एकदम सेंटर से, उस पर मार्क लगा लेके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये भी काट लिए हैं दो हिस्से, एक इधर के लिए एक इधर के लिए। अब बैक के लिए हमने 10 इंच के और 2 इंच विड्थ के दो पीसेस स्ट्रेट कपड़े के कटिंग कर लेने हैं। स्ट्रेट कपड़े के मतलब इस क्विल्टिंग पीस में से काट लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ये कपड़े की स्ट्रेट स्ट्रिप ले ली है जिसे कि हम रॉन्ग साइड पे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। और ये स्ट्रिप जो है 2 इंच विड्थ की है और 10 इंच इसकी लेंथ है। तो इस पर भी हमें ये स्ट्रिप लगा लेनी है। अब हम इस स्ट्रिप को टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी फिनिशिंग कर लेंगे स्ट्रिप को राइट साइड की तरफ टर्न करके, ये भी और ये वाला हिस्सा भी। अब देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमें बराबर करके रखना है। यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे, ऐसे हमें पिन लगा लेनी है। इधर भी हमें पिन लगा लेनी है। इसके बाद हम इसे पैर में पहन के देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से डाल लीजिएगा। अब ये हिस्सा जो है ऐसे हमें रखना है कि ये ऊपर को आए, ऐसे हमें रखना है। और यहाँ पर भी एक पिन लगा लेनी है, इस तरफ भी एक पिन लगा लेनी है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसे निकाल लिया, बाकी के हिस्से पर भी हम पिन लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे को दूसरा हिस्सा भी यानी दूसरा शूज़ भी तैयार कर लेना है। सबसे पहले ये स्टिच करेंगे, ये स्टिच करेंगे और फिर ऑल राउंड स्टिच कर लेंगे, ठीक। इसी तरीके से हमें ये भी देखिए, ये और ये हिस्सा बराबर करके रखना है।
तो देखिए दोस्तों, इसे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले वाला किया है। तो बनने के बाद कुछ आपको इस तरीके के नज़र आएंगे।